Hello and hi, this is me Vishal Ambani, and today we have Pratik Gandhi, who always gives me a good vibe whenever I see you. So firstly, Pratik, congratulations for Crimes Aajkal season 2. Thank you. Tell us something about season 1. Has been very great for the people. I also saw it personally. Tell us something about the season 2. So like people have loved season 1, and season 2 also promises them some edge of the seat stories, which are derived from real life incidences. Right. And these are crime stories. Especially this particular season talks about youth, either as victims or as perpetrators. And all the stories revolve around youth, their emotions, their issues, the way they deal with their, you know, emotional peaks, the way they deal with their love, yes, anger, or revenge. So this particular season talks about youth and their issues in today's world. And my job here is an anchor, where I become a link between the audience and the story. So without priming their mind, without telling them about the story, I'm just taking them through the story. Yes. Your journey has been very great. Ye jo anchoring ka role hai, ये नई नई बार देखने मिलेगा आपके फैंस को भी, आई गेस. ये कैसा आया? हाउ दिस केम इन योर माइंड? सो व्हेन आई वाज अप्रोच फॉर दिस, द फर्स्ट थिंग दैट केम इन माय माइंड इज दैट आई हैव नेवर डन एंकरिंग फॉर स्क्रीन बिफोर. आई हैव डन समथिंग लाइक दिस ऑन स्टेज फॉर लाइव शोज, फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिकल शोज, और सम कवि सम्मेलन, और मे बी थिएटर्स एंड प्लेज एंड लॉट ऑफ थिंग्स, बट फॉर द स्क्रीन आई हैव नेवर डन anchoring. So I wanted to explore this because this is challenging as an actor. Here I am not playing a character, I am not being myself, but I am being somebody who is a friend to the audience and taking them through this story. Yes. So bahut challenging hai, bahut naya hai, pehli baar tha, to mujhe laga kuch aur naya karte hain, isliye maine try kiya hai. I hope audience isko pasand aaye. क्राइम्स की अगर मैं बात करूँ यंगस्टर्स की, अभी जो कॉमन थिंग है वो है एग्रेशन, जो कंट्रोल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट टू द ऑडियंस, टू यंग पीपल, ये जो एग्रेशन है ये कंट्रोल करना कितना डिफिकल्ट होता है? सो आई एम श्योर आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दीज थिंग्स, बट मैं सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस से और मैंने जो समझा है उसकी बात करूँगा कि ये जो गुस्सा है, एंगर है, कोई भी एक इमोशन का जो एक्सट्रीम है ना, उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. अब उसका कंट्रोल ऐसा है, और क्यों आजकल लोगों में जो मुझे दिखता है वो इसलिए ज़्यादा हो रहा है शायद, कि हम सबको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत हो गई है. एक फ़ोटो आपने लगाई, उस पर कितने लाइक्स इमीडिएटली मिलते हैं, 24 घंटे में कितने लाइक्स मिलते हैं वो आपका मूड डिसाइड करेंगे. उसके ऊपर से आपका दूसरा दिन कैसा जाएगा वो डिसाइड होगा. और ये होते होते ऐसी साइकिल बन गई है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि आज हम अपसेट क्यों हैं. आपके पास शायद कोई बड़ा रीज़न नहीं होगा, कोई एक छोटी सी बात है जो कहीं कोने में बैठकर आपको अपसेट कर रही है, और उसी के चलते आपका गुस्सा बढ़ जाता है, इरिटेशन बढ़ जाता है, मिसबिहेवियर करने शुरू हो जाते हैं, एंड दिस देन द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन. तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, बहुत ही सिंपल सी बात है, जो शायद विच वर्क्स विथ मी ऑल्सो ब्रिलियंटली, दैट फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट स्विच ऑफ योर सेल्फ. इट इज़ एज गुड एज रीबूटिंग योर मोबाइल. कि जब उस पॉइंट पे गुस्सा आता है ना, उस टाइम पे आप ब्रेक ले लो. यस, अ लॉट ऑफ टाइम्स, बिकॉज देर आर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पर वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है. उस पर गुस्सा करके क्या करेंगे? कहीं आप खड़े हैं कि यार ट्रेन टाइम पे नहीं आई, अब वो आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आपको यू आर फ्यूरियस फ्रॉम विद इन, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, और उसी में कुछ ना कुछ आप आड़ा टेढ़ा कर देते हो. उसके रिपल इफेक्ट कहाँ हैं, कौन कैसे रिएक्ट करेगा, कौन सी चीज़ कितनी बड़ी हो जाएगी, नोबडी नोज. तो मुझे लगता है वो एक पॉइंट ऐसा है, और उसमें एक बहुत ही बड़े गुरु हैं, बहुत ही बड़े विद्वान थे, उनकी एक बात थी, वो बहुत कमाल थी. वो एक लाइन ऐसी है कि जहाँ उपाय नहीं वहाँ खेद करना योग्य नहीं, जहाँ उपाय नहीं वहाँ उसका शोक मनाना ठीक नहीं. Yes. ये वही बात है कि जहाँ उपाय नहीं वहाँ गुस्सा करना भी ठीक नहीं. ये जो चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है उस पर आप कर क्या लोगे? तो मुझे लगता है ये छोटी बड़ी बातें हैं, शायद किसी को लगे बहुत किताबी बातें हैं, पर इसका अगर थोड़ा सा भी एक्सपेरिमेंट किया जाए लाइफ में तो कुछ ना कुछ तो बदल ही जाएगा. बट आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि यू हैव डन अ प्रोजेक्ट, आपको लगा वो बहुत अच्छा है, बट यू डिडंट गॉट दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स एट दैट मोमेंट, व्हाट यू डू? हाँ, ये होता है, बहुत बार होता है.
और हमारा तो काम ही एक्सपेरिमेंट्स करने का है. अब हम कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत लोगों को पसंद आ जाता है. कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है जो हमने बड़ी शिद्दत से किया हो पर शायद नहीं पहुंचता है, तो नहीं चलता है. उसी से भी हमें कुछ सीखने मिलता है. तो ऐसे टाइम पे मैं तो कुछ ज़्यादा सोचता नहीं, मैं यही मानता हूँ कि हमारा काम एक्सपेरिमेंट्स करना है, हम करते रहेंगे, उसी से सीखेंगे, उसी से आगे बढ़ेंगे. वहाँ अटक के या वहाँ रुक के, वहाँ रोक के तो आगे क्या ही कर लेंगे हम. सीज़न वन की हम बात करें, गोवा की स्टोरी थी कुछ, सीज़न टू किस तरह की स्टोरी देखने मिलेगी? यहाँ पर बहुत अलग अलग कहानियाँ हैं, जैसे मैंने कहा कि यंगस्टर से जुड़ी कहानियाँ. सो सीज़न में चार कहानियाँ, आठ कहानियाँ हैं टोटल. हाँ, एट एपिसोड्स. वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट एनी स्टोरी दैट वाज क्लोज टू योर हार्ट? यार ये कैसा हो सकता है, ये क्राइम काफ़ी वो है, डेंजरस है. तो ऐसे तो मतलब सारी कहानियाँ ऐसी हैं. आई डोंट वांट टू रिवील एनीथिंग राइट नाउ, आई वांट देम टू वॉच इट. क्योंकि अभी मैं कुछ बोल के उनके दिमाग में कुछ एक डालूं और पूरी कहानी को ऐसे देखें, उसमें मज़ा नहीं आएगा. बट हाँ, कई कहानियाँ ऐसी हैं जो नरेट करते टाइम मुझे ऐसा लगा था कि यार ऐसा भी होता है. और जब मैंने डायरेक्टर से बात भी की, उन्होंने भी यही बताया कि यार ये सारी जो कहानियाँ हैं वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुई हैं. इन लोगों ने तो सिर्फ इसका एक वो कहानी में ढांचे में ढालकर उसको एक फिल्म की तरह बताया है, पर ये चीज़ कहीं ना कहीं हुई है. तो मतलब ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता है. और ये थोड़ा मतलब मैं भी थोड़ा हिल गया था. बट आप जब ये सब शूट करके जब घर पे जाते थे, दिमाग में क्या चलता है? कुछ ऐसी बातें जो चलती रहती है थ्रू आउट द शूटिंग टाइम? कुछ ऐसी बात शूटिंग के टाइम पे तो मेरे दिमाग में सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो यही चल रही थी कि इस चीज़ को अगर मुझे ऑडियंस तक पहुंचाना है तो मैं उसको कैसे पहुंचा सकूं, ताकि ऐसा भी ना लगे कि मैं उन्हें कुछ सिखाना चाहता हूं, ऐसा भी ना लगे कि मैं उन्हें डराना चाहता हूं. मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूं एक दोस्त की तरह. तो शूट के दौरान तो हमारा यही अप्रोच था. पर हाँ, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में भी रह जाती हैं, जो आप इसे सोचते रहते हो कि ऐसा है, ऐसा हुआ है, ऐसा कहीं होता है. बट अब एक्टर की लाइफ में एक चीज़ ऐसी होती है कि इतने साल काम करके ना हम स्विच ऑन स्विच ऑफ बहुत जल्दी सीख लेते हैं. और ये स्विच ऑन स्विच ऑफ जितना जल्दी कर सके उतनी हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है. आई वांट टू नो अबाउट योर लाइफ, बिकॉज हमारे बीच में, हम दोनों के बीच में दो चीज़ काफ़ी कॉमन है. पहली, वी बोथ अ गुज्जू वॉइस, एंड द सेकेंड थिंग इज हम एक ऐसे परिवार से आते हैं जो टीचर का परिवार है. एंड यू आर एन एक्टर, आई एम अ जर्नलिस्ट. हाउ डिफिकल्ट वॉज इट फॉर यू फॉर बिकमिंग एन एक्टर? अपने चार साल से शुरुआत की थी अपनी जर्नी की, बट किस तरह से, हाउ डू यू सी योरसेल्फ राइट नाउ? सो डिफ़िकल्टी तो पता नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी था कि मैं एक ऐसे परिवार का हिस्सा था, ऐसे परिवार में जन्मा था जहाँ सब एक तो शिक्षक थे और बाकी सब संगीत में रुचि रखते थे, सब आर्टिस्ट लोग थे. तो आर्ट हमारे जीवन का हिस्सा था ही. बचपन से यही सिखाया गया था कि वो आपके जीवन का हिस्सा तो बनेगा ही और होना भी चाहिए, आपका करियर बने चाहे ना बने. तो यही अप्रोच रहा. मुझे भी पता नहीं था यार, मैं तो सूरत से आता हूँ, मुझे यही पता नहीं था कि कब मुंबई चला जाऊँगा और ऐसे मतलब ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का एक हिस्सा भी बन जाऊँगा. पर करने में बहुत मज़ा आता था, स्टेज पे जाना, नए नए किरदार बनाना, उसमें बहुत मज़ा आता था. तो ये जर्नी शायद 14-15-17 सालों तक हम करते रहे. मुझे तो जर्नी में ही बहुत मज़ा आया और डेस्टिनेशन अपने आप बनते गए फिर. राइट, एंड अर्शद मेहता जैसी एक मान सीरीज आई जो चेंज कर दी पूरे. आई गेस सोनी लीव पे मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टेकन सब्सक्रिप्शन फॉर अर्शद मेहता. आई एम फ्यू, मैंने भी सोनी लीव की सब्सक्रिप्शन उसके लिए ली थी. अगर मैं बात करूँ, अगर बताना चाहोगे, हाउ डू यू सी, इट्स बिन लाइक सो मेनी ईयर्स नाउ, बट वैन यू लुक बैक, अभी भी लोग नो यू अबाउट अर्शद मेहता? तो ये होता है एक्ट्रेस के साथ कि जो अपना पहला काम ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे, लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आए, लोग आपको उसी से याद रखते हैं. अब मैं तो समझता हूँ कि एक्टर को कोई अगर उससे के किरदार से याद रखता है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार. एंड संडे को मेरी मुलाकात हंसल सर से हुई थी. सबसे पहला सवाल मेरा उनसे वही था, व्हाट्स अप नेक्स्ट विद प्रतीक? तो उन्होंने बताया महात्मा गांधी जी. जी जी, कुछ अगर बताना चाहोगे अबाउट दैट? वही जो उन्होंने बताया वही है, महात्मा गांधी. सरनेम सेम है, बाकी मैं मतलब वैसा नहीं है कि कोई ऐसा रिलेशन है उनसे. बट ये एक बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा मेरे लाइफ का अब तक का. तो वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड गेटिंग टू वर्क विद हंसल सर अगेन. सो यस, इट्स डबल डील फॉर मी. डू यू फील ब्लेस्ड विद द सरनेम? क्योंकि मेरी भी सरनेम बहुत खास है. तो मुझे काफ़ी बार ये होता है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि आर यू इन टच विद दैट, मैं बोला सरनेम ये है खाली. सो डू यू फील लाइक, अगर कभी इनकेस
मुझे कभी बायोपिक का मौका मिले या फिर समथिंग लाइक दैट तो मैं करूँगा। हाँ, मैंने बचपन से यार, हमने कुछ कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो बचपन में सब लोगों ने किए होते हैं, जैसे कृष्ण है, राम है, गांधी जी हैं, ये आप फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में या स्कूल के किसी नाटक में तो कभी ना कभी बने ही होंगे। तो मैंने भी ये किया था स्कूल में, और फिर जब बड़े हुए, अभी तक मेरा एक प्ले भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में से था कि यार ऐसे इस किरदार पे कुछ करने मिलेगा। तो आई गेस 2024 आने वाला है, नया साल, हाउ यू आर गोइंग टू सी दिस ईयर, हाउ प्रतीक गांधी सीइंग दिस ईयर इन हिज प्रोफेशनल लाइफ? आई थिंक लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ गुड हेल्थ इज व्हाट आई विश फॉर माई सेल्फ एंड एवरीबडी एल्स। एंड या जो काम अब तक मैंने किया है पिछले दो सालों में, उसमें से काफ़ी कुछ अब रिलीज होगा, लोगों तक पहुँचेगा, सो एक्साइटेड फॉर दैट। एक आखिरी सवाल, हर्षद मेहता का किरदार इतना अच्छे से निभाया है, बीइंग अ गुज्जू बॉय, हर गुज्जू बॉय के मन में एक रहता है सपना कि मोदी जी का किरदार अगर निभाने का मौका मिले, आपको अगर मिला वो मोदी जी का, बिकॉज यू आर गुजराती, मोदी इज ऑल्सो गुजराती, मोदी जी इज ऑल्सो गुजराती, टेल अस समथिंग, अगर ये मौका आपको मिलता है तो आप करोगे नहीं करोगे, हाउ विल बी योर प्रिपरेशन? अगर नहीं नहीं, सो जनरली क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ जब आती है हमारे सामने, मतलब एज एन एक्टर, तो आपको उस कैरेक्टर से लगाव हो, प्यार हो, वो एक दूसरी बात है, पर उसके करने का या ना करने का आप डिसीजन तब ले सकते हो जब आप कहानी आप कैसे बन के आई है उसके ऊपर डिसाइड करता है। हाँ, बिकॉज अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं बनती है ना, तो बड़े से बड़ा कैरेक्टर भी नहीं पहुंच पाता। तो वो है सबसे बड़ी बात, तो वो है कि उसमें वो बाकी सारी चीज़ों में कैसे फिट बैठता है। थैंक यू सो मच प्रतीक, थैंक यू। थैंक यू।